The Invisible Man, Chapter 25, Hindi Summary. ग्रिफिन से लड़ाई करने के बाद डॉक्टर कैम्प ठीक तरीके से बोल भी नहीं पा रहे थे, पर उन्होंने पुलिस से कहा कि ग्रिफिन पूरी तरह से पागल हो चुका है और अगर उसे पकड़ा नहीं गया तो वह पूरे शहर में आतंक मचा कर रख देगा, वह लोगों को मार भी सकता है। डॉक्टर कैम्प ने सभी लोगों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा। वह जान रहे थे कि वह उस शहर में सिर्फ उन तीन किताबों की वजह से ही टिका हुआ था, पर कर्नल एडी बताते हैं कि मिस्टर वारल्स का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई भी किताब नहीं है। कैम कहते हैं कि उसे खाने पीने और सोने भी न दिया जाए। वह कहते हैं कि ग्रिफिन ने कहा था कि वह कुत्तों के द्वारा सूंघ कर पहचाना जा सकता है, तो कुत्तों को इस काम पर लगा दिया जाए। तब कर्नल एडी कहते हैं कि वह ब्लड हाउंड नाम के कुत्ते की प्रजाति को इस काम में लगा देंगे। डॉक्टर कैम्प यह भी कहते हैं कि उसका खाना कुछ देर तक उसके शरीर में दिखता ही रहता है, तो उसे पहचानना आसान रहता है, और वह बिना चप्पलों के ही घूमता है, इसलिए रोड पर हर तरफ कांच का चूरा बिछा दिया जाए। चैप्टर 26। ग्रिफिन बहुत ही गुस्से में था जब वह डॉक्टर कैम्प के घर से निकला। उसने एक बच्चे का पैर ही तोड़ दिया था। 2 बजे के बाद ट्रेनों का प्रयोग करके वह वहां से निकला और गुस्से से घूमने लगा। पूरे शहर को देखने के बाद उसे समझ में आ गया कि पूरा शहर सावधान हो चुका है। डॉक्टर कैम्प को दी हुई सारी जानकारी अब उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। रात होते होते पूरा शहर आतंक से ढक गया क्योंकि किसी ने मिस्टर विकस्टीड को मार दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी, पर किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि वह कैसे मरे। पर लोगों का अंदाजा था कि वह ग्रिफिन ही था। मिस्टर विकस्टीड को आखिरी बार एक छोटी बच्ची ने देखा था। उनकी हत्या एक लोहे के रॉड से की गई थी। इससे समझ आ रहा था कि वह इस वक्त कितना क्रूर हो चुका था। नैरेटर को लगता है कि अगर उसके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई न हो रही होती तो शायद वह किसी को न मारता। पर नैरेटर यह भी कहता है कि मिस्टर विकस्टीड को खून से लथपथ हुआ देख शायद उसका ही मन दुख से भरा होगा। उसे पछतावा जरूर हुआ होगा, पर अब वह लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। Please like, subscribe and share.